Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 13F. इससे पहले हम हमारी exercise 13A से 13E तक complete कर चुके हैं. जिन बच्चों ने उन videos को नहीं देखा है वो मेरी playlist में जाकर उनको देख सकता है. यहाँ पर हमें दे रखा है find the time interval between the following. कि यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया है उस टाइम के बीच का जो टाइम है, जो इंटरवल टाइम है, वो हमें बताना है कि कितना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें इंटरवल टाइम बताना होता है तब हम करते हैं उसको सबट्रैक्ट. और सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा इंटरवल टाइम है वो हमें मिल जाएगा. जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें 7:30 AM एंड 11:10 AM कि हमें जो टाइमिंग दे रखा है 7:30 से लेके 11:10 के बीच का जो टाइमिंग है वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11:10 सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 7:30 को. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो बीच का टाइम है वो निकल जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जीरो में से तो जीरो चला जाएगा, बट वन में से थ्री को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वन कैरी लेके आएंगे. लेकिन वन कैरी लाने के बाद भी ये तो हमारा टू होगा. तो जैसा कि मैं आपके पीछे के क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी हम टाइमिंग के क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर कभी भी वन कैरी को नहीं उठाया जाता, वहाँ से वन आवर को उठाया जाएगा. और वन आवर उठाने के बाद यहाँ पे जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वन आवर में 60 मिनट होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा. और यहाँ पे 60 और 10 हो जाएगा हमारा 70 मिनट. ये हमारा हो गया 7:30, 0, 7 में से 3 गया हमारे पास आ गया है 4, 10 में से 7 गया 3. तो 7:30 से लेकर 11:10 के बीच का जो टाइमिंग है वो हमारा है 3 आवर्स एंड 40 मिनट. इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है 5:10 AM एंड 7:20 AM. आपको सुबह के 5:10 से 7:20 के बीच का जो टाइमिंग है वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे, 7:20 एंड 5:10 हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 5 गया 2. तो जो टाइमिंग है वो है 2 आवर्स 10 मिनट. इसके बाद जो हमें एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, ये हमें दे रखा है 3:15 PM एंड 4:30 PM. अब हम क्या करेंगे, 4:30 3:15 हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट. यहाँ से कैरी ली, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1. तो हमारा जो टाइमिंग है वो है 1 आवर एंड 15 मिनट. यहाँ पर हमें 1 आवर और 15 मिनट है जो इंटरवल टाइमिंग है.
इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 8:20 PM एंड 10:40 PM। हमें यहाँ इसके मिड का जो इंटरवल टाइम है वो बताना है 10:40 एंड 8:20। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 0 में से गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। तो हमारा जो टाइमिंग है वो है 2 hours and 20 minutes। इसके बाद यहाँ पर हमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, इनके बीच का जो इंटरवल टाइम है वो बताना है। अब पहले वाला तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता लग गया, लेकिन इसको निकालने के दो तरीके हैं जो दोनों मैं आपको बताती हूँ। फाइंड द इंटरवल बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें एक पार्ट दे रखा है एएम का और एक पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर पीएम का। जैसे 3:30 तो एएम दे रखा है हमें, इसके बाद सेकंड दे रखा है 2:30 PM। सीधा सीधा सिंपल अगर हम निकालते हैं तो ऐसे निकाला जाता है 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 एंड 2:30। यहाँ हमारा एएम से शुरू होता है 3:30 से और हमारा 2:30 पर फिनिश हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सीक्वेंस से लिखते चले जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 2:30 तो हमारा हो चुका है तो हमारा जो टाइमिंग है वो है 11 आवर्स। इसके बाद जो सेकंड वे है आपका करने का, जो आपका 2:30 PM है, जैसा कि मैंने आपको घड़ी के अंदर 24 आवर बनाने सिखाए थे, तो आप इसको क्या करोगे, 3:30 और यहाँ 2:30, 12 के बाद आ जाता है हमारा 13 और 14, तो ये हमारा टाइमिंग हो जाएगा 14:30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14:30 को यहाँ पे 3:30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 0, 4 में से 3 गया 1 और ये हमारा 1। तो हमारे पास जो टाइमिंग आ गया वो है 11। हमारा यहाँ भी 11 आवर्स आ रहा है और यहाँ भी 11 आवर्स आ रहा है। इसको मैंने केवल इतना किया है कि जो ये तो हमारा एएम में दिया हुआ था, इसको पीएम ना बनाकर मैंने इसको आवर्स बना दिया कि 12 घंटे के बाद जब एक बजता है उसको हम 1 o'clock न लिखकर हमने उसको 13 और 14 काउंट किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 7:15 AM एंड 5:20 PM। अब यहाँ सिंपल वे तो जो मैंने आपको बताया है,
7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15 और यहाँ पे 15 मिनट, सॉरी यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है 4, 4, 4, 8 और 2, 10, क्योंकि 5:20 तक का हमें टाइम दे रखा है। 7:15 को अगर हम छोड़ देते हैं, 7:15 से हमारा शुरू हो रहा था, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3:30 को छोड़ देंगे क्योंकि वो टाइमिंग तो हमें दिया जा चुका है। तो यहाँ पे 11 आया, इसी तरीके से हम यहाँ पर 7:15 को छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हमारा जो टाइमिंग है वो है 10 hours and 5 minutes। इसके बाद अगर इसी टाइमिंग को हम आवर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा 7:15 है और यहाँ पर जो हमारा 5:20 दे रखा है, आप 12 बजे के बाद का जब टाइम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7:20। जब ये 7:20 हो जाएगा तो हम 7:20 में से 7:15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ आया 5 और 7 में से गया 0 और 1, तो ये हमारा आ गया 10 hours and 5 minutes। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 11:35 AM एंड 11:20 PM। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप 11 से ले 11:35, 12:35, 1:35, 2:35, 3:35, 4:35, 5:35, 6, 7, 8, 35, 35, 35, 9, 10 and 11। यहाँ पे 35, 35, बट यहाँ पे हमें दे रखा है केवल और केवल 20। तो यहाँ के बीच का जो गैप का टाइमिंग है वो हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितने आवर हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो हमारा हो गया 11 आवर यहाँ तक। अगर हमने सीधा सीधा देखा, ये हमारा हो गया 11 आवर्स। इसके बाद यहाँ पर हमें 35 के बाद जब हमारी 60 मिनट होती हैं, 60 में से आप 35 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 और ये हो गया 25। और इसके बाद 20 मिनट हमारे पास ये हो गई, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास आ गई 45 मिनट। यहाँ पे 11:35 की बजाय 10:35 के बाद 60 में से 35 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया 25 मिनट। और 20 मिनट हमें 11:20 की दे रखी थी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 hours 45 minutes। अगर आप सेकंड वे से करते हो, 11:35 to यहाँ पे जो 11:20 है, जब आप इसको घड़ी के अंदर देखोगे 24 वाली के अंदर, तो 12 से आप जब इसको ऐड करके देख लो, 12 के बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23।
और इस तरीके से जब आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये जो सेम आंसर है वो आ जाएगा। तो आप इसको 24 आवर की घड़ी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है डी 6:30 AM एंड 6:30 PM। अब आप ये देखिए कि सुबह AM से लगा के और PM तक सेम टाइमिंग दे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कंप्लीट और कंप्लीट 12 आवर का, 12 आवर्स। अगर आपको रिटर्न करके देखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6:30, 7:30, 8:30, 9:10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 एंड 6:30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हमारा जो टाइम है वो आ गया हमारा 12 आवर्स। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर 24 आवर की वॉच में देखोगे तो 12 के बाद 6 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 18:30, और ये आपका है 6:30। तो 0, 0, 8 में से 6 गया 2 एंड 12, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 12 आवर्स आ रहा है। आप किसी भी तरीके से अपने आंसर को भी निकाल सकते हो और जैसे आपको सूटेबल लगता है इस सवाल को आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग। अ म्यूजिकल शो स्टार्ट एट 8:20 PM कि एक म्यूजिकल जो शो था वो स्टार्ट हो गया था हमारा 8:30 पे, 8:20 टाइम दे रखा था शाम के टाइम में। इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है रितु रीच द शो एट 8:05 PM। यहाँ पे 8:20 को स्टार्ट होना था और वो पहुँच जाती है 8:05 पे। हाउ मैनी मिनट अर्ली डज सी रीच, वो कितनी मिनट पहले। अगर आप सीधा सीधा निकालोगे तो आपको सीधा सीधा भी दिखाई दे जाएगा कि 15 मिनट पहले पहुँची थी, अगर आपको वॉच के अंदर टाइम देखना आता है तो यहाँ हम लिखेंगे म्यूजिकल शो स्टार्स एट 8:20 PM, रितु रीच द शो 8:05 PM। अब यहाँ पे हमें बताना है हाउ मैनी मिनट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8:20 में से 8:05 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 1 और यहाँ बचा हमारा 0। तो यहाँ पे हमें आंसर बताना है सी रीचेज देयर 15 मिनट्स अर्ली, कि वो वहाँ पर केवल और केवल 15 मिनट पहले ही पहुँची थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है आ वन क्रिकेट मैच स्टार्ट एट 9:30 AM कि क्रिकेट का जो मैच है वो 9:30 AM पर शुरू होना है एंड एंडेड 6:15 पे, और शाम के 6:15 पे वो ख़त्म होना है। हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, हम ये लिखेंगे मैच स्टार्ट
स्टार्टेड टाइमिंग, मैच का जो स्टार्टेड टाइमिंग है वो है 9:30 AM एंड एंडी टाइम है 6:15 PM। अब आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसके सिंपल वे से निकालेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 9:30 और जब हम हमारा जो 6:15 है PM शाम के टाइम का दिया हुआ है, तो 12 के बाद इसको ऐड करेंगे तो 12 और 6 हो गया हमारा 18, तो ये हमारा आ जाएगा 18:15। अब यहाँ पर 15 में से 30 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम यहाँ करेंगे, यहाँ से 1 आवर को उठाएंगे और इसको बनाएंगे 16 मिनट, तो ये हमारा बन जाएगा 17 और यहाँ 60 + 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। एंड 9:30 को जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 3 गया 4 और 17 में से 9 गया 8, तो हमारा जो टाइमिंग है उसने पूछा है हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, It lasts 8 hours and 45 minutes। आपको 8 घंटे और 45 मिनट जो ये मैच है ये स्टार्ट होकर फिनिश होने में लग जाएंगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 13F। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।